बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश, चले। तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। उस्मान साहब तुम सबको जहन्नुम पहुंचा देंगे। हमसे पहले तुम जहन्नुम में जाओगे तुर्क। रोमनूस को पता चल गया इसका भी। सिपाहियों, हर कोई होशियार रहे, हो सकता है घात हो हमारे लिए। आप सब जानते हैं आगे क्या करना है। आ जाओ। बोरान, मार दो उसे। भतीजे। जनाब। ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं। हिफाजत के लिए क्या अमल करना है जानते हैं ना सब लोग? जनाब, रोमनूस वादी में अपने सिपाहियों के पास जा रहा है। सिपाहियों, वादी की तरफ जाओ, मैं रोमनूस के पीछे जाऊंगा। जो हुक्म मेरे सरदार। ख्याल से मेरे शेर, तुम ठीक हो ना? आपके बारे में वालिद ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही है। माशाल्लाह, बहादुर भाइयों, वादी की तरफ चलते हैं। शाबाश। चलो सिपाहियों, उस्मान साहब से किया गया वादा पूरा करो। हक है अल्लाह। की तैयारी है रोमनूस? जल्दी में हो क्या? तो तुमने मुझे ढूंढ लिया। यूं लगता है वादी की तरफ जा रहे हो, शायद सिपाही इकट्ठे कर रहे। क्या लगता है वो वहां बचे होंगे? तुम्हें लगता है मैं मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ यहां आऊंगा उस्मान? मैं कमांडरों की तरह नहीं हूं, मैं किसी की तरह नहीं हूं। टूट पड़ो। हाँ।
ऐसे ही भागोगे तुम ऐसे ही, आखिर कहां तक जाओगे? आखिर आज तक मेरे हाथों बच्ची कौन पाया है? चले गए भाई, आप कहाँ हैं? या अल्लाह, मेरे भाई की जान की हिफाजत फरमा। चलो, कबीले ने इनागोल के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, इसलिए हमने कबीले को जहर देने के बजाय करारगाह में जाने वाली खुराक पे जहर डाल दिया है। ये तो मेरी खाला के सिपाही नहीं है, मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा। उस्ताद आरियोस कहाँ है? हम इस लड़की को उन्हीं के हवाले करेंगे। उस्ताद आरियोस मर चुके हैं, उस्मान ने उन्हें कत्ल कर दिया। ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अभी जाकर काई कबीले को तबाह कर देते हैं। हम एक भी तुर्क को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की भाग रही है, जल्दी जल्दी पकड़ो उसे, जल्दी। रुक जाओ, तुम हमसे नहीं भाग सकती। उस्मान साहब के सिपाहियों को कत्ल कर देंगे अगर मैंने खबर ना पहुंचाई तो। खोलो फिरा। औरहान, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वो सिपाही मेरे खाला की तरफ से नहीं आए, वो तो दुश्मन है। ये क्या कह रही हैं? बहादुर भाई, मैंने इनकी बातें सुनी कि उन्होंने खाने में जहर मिला दिया है। उस्मान साहब के सिपाही खतरे में हैं। अगर खबर ना पहुंचाई तो इनागोल ख्वाब बन जाएगा हमारे लिए। अलाउद्दीन, आप जल्दी जाएं और जाकर वालिदा को बताएं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता भाई। मेरे भाई, जल्दी जाएं और जाकर इत्तला दें। तुम सरिया बनोगे हमें इस सरजमीन से निकालने के लिए, समझे? इस सरजमीन से तुम्हारी लाशें ही निकलेंगी। ले चलो इन्हें। डरो नहीं, ना वालिदा और ना ही बाबा हमें यहाँ छोड़ेंगे। अलाउद्दीन उन्हें सब बता देगा। फिक्र नहीं करो, मैं खौफजदा नहीं हूँ।
मेरे भाइयों, रोमनोस भाग गया, लेकिन अब वो कले में नहीं जा सकता वापस। निकोला का मंसूबा नाकाम हो गया। उसका वक्त खत्म हो चुका और ये वक्त अब हमारा है। अब गुंदूस भाई की सरबराही में हमारी वो मंजनीक है दिन रात यूं ही कले की दीवारों से टकराएंगी। मगर अब हम दीवारों में सुराख होने का इंतजार हरगिज नहीं करेंगे। अख्तमोर, तुम कुछ सिपाही अपने साथ लेकर कले के अंदर दाखिल हो गए। रोमनोस तुलुए आफ्ताब से पहले हम पर हमला करेगा उनसे ये कहना, और ये सुनकर निकोला सिपाहियों समेत कले से बाहर निकल जाएगा और हमारे सिपाही निकोला और उसके लश्कर को तबाह कर देंगे। इस सूरत में मेरा भतीजा आख तैमूर दरवाजा खोल देगा। इंशाल्लाह तुर्कुत साहब, ऐसे ही अपने मकसद पर डटे रहो और हम साथ ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे, क्योंकि जब पुल खुलेगा उस वक्त अख्तमूर को वो लोग देखेंगे। अख्तमूर हमें जैसे ही इशारा देगा उखाड़ देंगे हम कले का दरवाजा। हुजूर, इस तरह की सूरत हाल में अख्तमूर और तमाम सिपाहियों का क्या होगा? गुंदूस भाई इस पर परेशान है बहुत, और यही वजह है दीवारों के कमजोर मकामात पर हम सीढ़ियों के जरिए हमलावर हो जाएंगे। निकोला और उसके सिपाही वहां इकट्ठे होंगे और पुल और दरवाजा हमारे लिए खुल जाएंगे। अख्तमूर को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। हुजूर, अख्तमूर के साथ जाने वाले सिपाही कौन है? अगर आपकी इजाजत है तो हम भाई अख्तमूर के साथ किले में दाखिल होना चाहते हैं। हम पुल और दरवाजा खोलेंगे, चाहे इसमें हमारी जानी क्यों ना चली जाए जनाब। ये फर्ज आपसे तलब करते हैं। हाँ ठीक है, शुक्रिया। तो चलो फिर, कपड़े तब्दील कर लो फौरन। जो आपका हुक्म, जो आपका हुक्म। अपने पंजे में जकड़ लेंगे हम लोग अंगोल को, उसके चारों अतराफ से, उसके दरवाजे से और फिर दीवारों के पीछे से, हर तरह से उन पर हम लोग हमला करेंगे। याद रहे, ये कायम का वक्त है सिपाहियों। आ जाओ। वालिदा, रुकिए वालिदा। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। खैरियत तो है ना बेटा? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ वालिदा, वो भाईजान। अलाउद्दीन बेटा, क्या हुआ? फरहान कहाँ है, मुझे बताओ। हो सकता है उन्होंने भाई और होलोफेरा को अगवा कर लिया हो। क्या कह रहे हो तुम बेटा, बताओ मुझे फरहान को अगवा क्यों किया? होलोफेरा को लेने आने वाले उसकी खाला के सिपाही नहीं थे वालिदा, दुश्मन थे। उन्होंने सिपाहियों की खुराक में जहर मिला दिया है। वो लोग बुजदिल हैं, हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं उनमें, तो हमें जहर देना चाहते हैं। भाईजान को बचा ले वालिदा, वो दुश्मन से अकेले मुकाबला कर रहे हैं, भाई की जान खतरे में है। हम बचाएंगे उसे, तुम्हारे भाई को बचा कर लाएंगे। कुमराल अब्दाल, आप फौरन ये खाना जाया करके हथियारों और खवातीन के साथ करारगाह की तरफ जाइए। अलाउद्दीन आपके पास अमानत है, हम बाय सुंगुर के साथ औरहान को बचाने के लिए जाएंगे। हाँ, फिक्र ना करना बेटे। हाँ बाय सुंगुर, चलिए। शाबाश मेरे बहादुर, चलो चलो, शाबाश, चलो चलो जल्दी। बारकन, आप सही वक्त पर आए हैं बारकन। सेल्वी, क्या हो रहा है यहाँ पे? खवातीन कहाँ जा रही हैं? औरहान को बचाने के लिए। होलोफेरा को जो लोग ले गए वो दुश्मन थे। असामुद्दीन जनाब, सिपाहियों को ले जाकर उस्मान साहब की मतलूबा जगह खड़ा करो। मैं सेल्वी के साथ खवातीन की तरफ जाऊंगा। चलो
पहनू? एक गड़ा खोदे, जहरीला खाना उसमें डाल दे। शाबाश, चले। खींचो 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 खींचो, गोला डालो। शाबाश, हट जाओ तुम लोग। या हम शाबाश, जल्दी करो, जल्दी। जुनूबी दीवारें तबाह होने वाली हैं। अब हम क्या करें? नहीं तबाह होंगी, समझे क्या? अगर दीवारें तबाह होंगी तो लश्कर तबाह होगा, लश्कर तबाह होगा तो हम तबाह हो जाएंगे, ये कला तबाह हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें उस्मान के लिए नहीं छोड़ूंगा, खुद तुम्हारा गला दबाऊंगा अपने हाथ से। जाओ अब, जाओ, सब जाओ यहां से। ये कला तबाह नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। उस्मान, तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मौत ही तुम्हारे लिए निजात होगी। आ जाओ तुम, आओ, आ जाओ। क्या उस्मान को इधर भेजने के लिए कोई और नहीं मिला? उस्मान? हाँ, बिल्कुल गलत। उस्मान का आदमी नहीं बल्कि उसका दुश्मन हूं मैं। आप रूमी कमांडरों में से एक हैं यकीनन। ठीक कहा, लेकिन एक चीज कम है, मैं रोम के कमांडरों में सबसे ज्यादा बेरहम और मशहूर हूं रोमानुस, और तुम उस्मान के दुश्मन। तुम कौन हो? नाम बताओ। तुम कोई चाल तो नहीं चल रहे, मुझे बताओ। मैं उस्ताद आरियूस का बहुत ही खास आदमी था जो कि अब नहीं रहे। मेरा नाम आइज़िक है। आरियूस, आखिरी बार उसका सर एक थैले में देखा था। आइज़िक, 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 आइज़िक।
वाकई आरी उसके आदमी हो आइज़क। यानी दोस्तों की तरफ से हो। मैं अपने दोस्तों को जल्दी भूल जाता हूं मगर दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। उस्मान, इस शख्स का चेहरा कभी नहीं भूलूंगा। देखना, उसके हर अमल का बदला लूंगा मैं। मैं कब तक जिंदा रहूंगा नहीं मालूम मुझे रोमानुस, लेकिन कसम खाता हूं कि मौत आने से पहले उस्ताद आरियूस का बदला लेके रहूंगा मैं। उनके मकसद के लिए आपकी खिदमत करता रहूंगा। अपनी नफरत को मुत्तहिद करके उस्मान को कुचलेंगे और तुम मेरे साथ होगे। उस लम्हे को देखने के लिए बेताब हूं मैं। ये जिहाद सबको मुबारक हो। आपको भी भाई। खींचो 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 खींचो। ये कला हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। शाबाश शाबाश बहादुरों। उस्मान साहब से किया गया वादा मत भूलना। शाबाश। मारो, रस्सी काटो। अल्लाहु अकबर। हमारी मदद करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अरे माशाल्लाह, ए माशाल्लाह, कोई कला बाकी नहीं रहेगा। आपकी ताकत और हिम्मत से सब कले फतह हो जाएंगे कुंदूज साहब। यही अर्तुरुल गाजी के बेटों की शान है। जंग लड़ना हमने आप लोगों से ही सीखा है दाऊद उस्ताद। बहुत शुक्रिया। आपका आना मुबारक साबित हो। गोला छोड़ दो। माशाल्लाह, शाबाश। खींचो भाइयों। शाबाश। हमने कर दिखाया। और जोर से खींचो। शाबाश। खींचो 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 खींचो। या अल्लाह, दूर हटो। हटो, पीछे हटो। रस्सी को काट दो। शाबाश। आपका आना कुछ आयन साबित हुआ दाऊद उस्ताद। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ताकत और जुनून को कोई नहीं रोक सकता। शुक्र है अल्लाह का। बिल्कुल ऐसा ही है। जल्दी से काई परचम लेकर आओ सिपाहियों, वक्त करीब है। इंशाल्लाह कोनूर भाई, इंशाल्लाह। पहले हम लोग हमला करेंगे। रास्ता खुल गया है, मेरे अल्लाह ने रास्ता खोल दिया है। कोनूर बुरहान, आप इस हमले के कायदे हैं। आग तैमूर अंदर है। ये हमला मेरे लिए मुलाकात होगा। बुरहान, मुलाकात। तुम करारगाह में निकोला के सिपाहियों को मारोगे। शाबाश बहादुर। जैसे आपका हुक्म कुंदूस साहब, जैसे आपका हुक्म। और मेरे बारे में क्या चला? तुम्हारी जगह अब मेरे साथ है जेरकुताई, मेरे साथ। बहुत शुक्रिया जनाब। आप कहें मारो तो मारेंगे, आप कहें टूट पड़ो तो टूट पड़े। तोड़ दो जेरकुताई, तोड़ दो दीवारों के, पार कर दो इन गोलों को। जाओ, जो जरूरी हुआ वही करेंगे, जो आप कहेंगे वही करेंगे। हाँ करना। शाबाश शाबाश शाबाश। हाय माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह। जनाब, ये आपके लिए है। खींचो। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। दूर हट जाओ, हटो। या हक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाय माशाल्लाह। जनाब, अब आगे बढ़े। शाबाश सिपाहियों, अब हम लोग तीर चलाएंगे। या अल्लाह मदद। कौन हो तुम? मैं अलेक्जेंडर हूं, कमांडर रोमानुस की तरफ से खबर लेकर आया हूं। फेंको। जल्दी पुल खोलो, तुर्क हमारे पीछे है। फेंको। दरवाजा खोलो जल्दी से, इन्हें अंदर आने दो। शाबाश सिपाहियों। दुर्गुत साहब, सूरत हाल क्या है? उन्होंने तीर देखे और यकीन कर लिया कि हम में से नहीं है। आग तैमूर के लिए अब दरवाजे खुल गए हैं जनाब।
अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। आए माशाल्लाह तैमूर, माशाल्लाह। एक अरसे से इस लम्हे का हम सबको इंतजार था। अल्लाह की मदद से हम लोग हदफ तक पहुंच चुके हैं, उनकी सांसों से भी ज्यादा करीब हो गए हैं उस्मान साहब। तुर्कमान सरदार इस तरह के बाहर के मामलात से गुरेज करते हैं वैसे तो, लेकिन तुम कभी उनकी तरह नहीं हुए। यकीन नहीं आता हमेशा मेरे साथ रहे हो। रास्ता तो कठिन है, लेकिन ये भाईचारा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। सलामत रहो। मैं तन्हाई पसंद था उस्मान साहब, आपने मुझे एहतियात करना सिखाया। अब मैं समझता हूं जब तक हम मुत्तहिद हैं उनके बनाए हुए किसी भी दरवाजे को तोड़ सकते हैं, बास की तरह आगे बढ़ सकते हैं। यकीन है मुझे। याद रखो, तुर्कों के लिए कोई आराम नहीं है। हम सब ने एक ऐसा रास्ता बनाया है कि जो उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेगा दफन हो जाएगा वो। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे उस्मान साहब, हमेशा आगे बढ़ेंगे। आप करारगा क्यों आए कमराल अब्दाल? खैर तो है? दुश्मन कबीले में आ चुके हैं गुंदूज साहब, उन्होंने सिपाहियों के खाने में जहर भी मिला दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं कमराल अब्दाल? हमारी खवातीन कहाँ है? अलाउद्दीन यहाँ पर क्यों आया है बताइए। जनाब, औरहान भाई और होलोफेरा दुश्मनों के कब्जे में हैं। फिक्र न करो अलाउद्दीन, हम उन्हें बचा लेंगे इंशाल्लाह। जब अलाउद्दीन से इतला मिली तो बाला खातून ने हमें आपके पास भेज दिया, और खवातीन बारकन साहब के साथ और औरहान के पीछे गई हैं। अलाउद्दीन तुम यहाँ पर आराम करो, ठीक है? जैसा आपका हुक्म था आयाजान। जाओ। अलेक्जेंडर, हम कामयाब हो गए कलादार निकोला। कमांडर रूमानुस अपने दस्ते में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी खबर है ये, बहुत अच्छी खबर है अलेक्जेंडर, बहुत खूब। कमांडर रूमानुस ने कहा कि आपको फौरन इत्तला दी जाए। वो करारगाह पे हमला करने के लिए कले से बाहर दस्ते का इंतजार कर रहे हैं जनाब। सब कुछ आपकी मनसूबाबंदी के मुताबिक हो रहा है। हम मजीद इंतजार नहीं करेंगे, फौरन कार्रवाई करेंगे। शाबाश। जो हुक्म जनाब। जबरदस्त, जबरदस्त। क्या बात है। जनाब, निकोला का दस्ता कला छोड़ चुका है। ठीक है, ठीक है। काफी गुरूर है उन्हें अपनी तादाद पर, लेकिन मेरे कोनूर और बोरान ने उन्हें खत्म करने के लिए जाल बिछा रखा है। पहले घोड़ों की नालों के नीचे कुचले जाए, उसके बाद बताएंगे इन्हें। क्या निकोला इनके साथ है? नहीं जनाब, वो तो सिर्फ एक कमांडर है। जालिम सिपाहियों को आगे भेजकर खुद महफूज बैठा है। इंशाल्लाह दुनिया में ये जालिम कहीं भी नहीं छुप सकेगा। क्या सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? पहले उसके सिपाही उसके हाथ से जाएंगे, फिर उसका कला और फिर उसकी जान। अब उसे उसकी मौत से कोई भी चीज बचा नहीं सकती।
कोई भी चीज। काफिरों का बहुत इंतजार है। नालों के तले को चलने के लिए बेकरार हूं मैं। हम कले में दाखिल तो नहीं हो सकते, लेकिन बाहर वालों को मारना भी जरूरी है। ऐसे ही होगा भाई। बहादुरों तैयार हो जाओ, अपने घोड़ों की लगामों को मजबूती से पकड़ो और अपनी तलवारों की प्यास बुझाओ। एनागोल के सिपाही आ रहे हैं। मेरे भाइयों, फतह का वक्त आ गया है। जल्दी अपने लोगों को बचाओ, शाबाश, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह संभालो, शाबाश, जल्दी ऊपर चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखता हूँ। तो चलो, वक्त आ गया। जिहाद सबको मुबारक हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तोरहान, तुम बाएं जानिब जाओ भाई और मैं दाएं जानिब। दोगे और फिर मर जाओगे, फिर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज होगा इस दुनिया। कुछ बताना है, वो लोग आ गए हैं। ये क्या कह रहे हो सिपाही? वो तुर्क आ रहे हैं जनाब, दीवारों के सामने जमा हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये कैसे? लाना तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? ये
بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ہمارے عظیم رب رسول کریم صحابہ کرام اور تمام اولیاء و شہداء کو ہمارے لشکر کا سہارا بنا آمین فتح و نصرت ہمارے لشکر کی آمین انہ گول کی فتح ہمیں نصیب فرما آمین الفاتحہ اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نے پوچھا وہ کون ہے لا الہ الا اللہ 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 ہٹ جا لے کر آؤ
वो लोग दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, करीब आ गए हैं बहुत। सिपाहियों, दिफा करो, इस कले में तुर्कों की लाशें ही दाखिल होंगी, सिर्फ लाशें। उस्मान और उसके सिपाही आखिरी चीज जो देखेंगे वो हमारा चेहरा होगा। समझ गए? समझ गए जनाब। समझ गए? समझ गए जनाब। من الله وفتح قريب لا اله الا الله وبشر المؤمنين يا محمد لا غالب الا الله 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 So
जलील काफिर। एहतियाती तदाबीर बताएं। जरा संभल के मोसल को आग न लगे। सिपाहियों, मोसल की हिफाजत करना, चलना चाहे। शाबाश बहादुरो, हट जाओ, चलो। निकोला, निकोला, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये सवाल यही खत्म हो जाएगा। चलो बढ़ते रहो आगे। भूला मत। जोर लगाओ और ये दरवाजा तोड़ दो। जोर से, और जोर से। बहादुर जोर लगाओ। तुम्हारी कबर बनेगा उस्मान, कबर। Ah! 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 Ah!
आज का दिन शहादत का दिन है। अमन तलब करने वालों के लिए अमन, तलवार उठाने वालों के लिए आजाद। चलो जवानों, अल्लाहु अकबर। करेंगे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। जरकोतई है आपके साथ, जरकोतई। दूसरा जवाब दे, कुछ तो बोले। गुंडू साहब, सिपाहियों, कोई काफिर जिंदा न रह पाए, सबको मार डालो, किसी को नहीं छोड़ना। जनाब ठीक तो है, गुंडू साहब, कुछ तो बोले, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। गुंडू साहब, गुंडू साहब, you
मुझे अंदर जाने का एक और रास्ता मालूम है। ठीक है फिर चलो। ए खुदावंद, अब तू ही हमारी मदद कर सकता है। अपने इस गुनाहगार बंदे को माफ कर दे, क्योंकि ये शहर निकोला की वजह से डूब रहा है। ए खुदावंद, ए हमारे यीशु मसीह, हमें बचा ले। इस निकोला की बेवकूफियों की सजा हमें मत दे, हम पर रहम कर। अपने आप को बचाओ, तुर्कों ने हमला कर दिया हर जगह। भागो यहाँ से, भागो। खुदावंद, तुर्कों को फतेह याब कर, आ जाओ। जनाब, निकोला ने काफी पहरेदार खड़े किए होंगे। निकोला जो चाहे कर ले, फजूल होगा, वो अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम बहुत सी मुश्किलात से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं। आ जाओ बहादुर, आ जाओ, आ जाओ। दरवाजे से अंदर कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। मिलाकर लड़ना लिखा था, चलो अब शहादत की तरफ बढ़ते हैं। शुक्र है कि फतह और हक की राह पर है। चलो खवातीन, तीर चलाओ। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। कूद पड़ो इन पे। Ah!
मदद करो मेरी, तोड़ना होगा इसे। भाग गया। अख्तैमूर देखो कोई खुफिया रास्ता तो नहीं। अपने ही किले से कोई कैसे जाएगा तुर्गुत साहब? भागने के लिए खुफिया रास्ता बनाया होगा। निकोला कहीं बचकर नहीं भाग सकता, कहीं भी नहीं। अख्तैमूर, तवील अरसे से तुम उसके साथ थे, हर शय तुम जानते थे, लेकिन अहम चीजों से नावाकिफ रहे। उन्होंने बहुत कुछ खुफिया रखा है, तुम उनका दायां हाथ रहे हो। वो लोग बजाहिर बहादुर थे, लेकिन वो हकीकतन उस दिल के सिवा कुछ नहीं थे। दरअसल ये उनका राज था, हर जगह कोई ना कोई खुफिया सुरंग होती है जो ऐसे वक्त में इस्तेमाल होती है। वक्त जाया किए बगैर उसे ढूंढेंगे। ये लोग इस कदर बुजदिल हैं कि अपने तख्त के नीचे भी भागने का रास्ता रखते हैं। हुजूर, इन्हें गोल हासिल कर लिया गया है। फसीलों और दरवाजों से सिपाही सैलाब की तरह अंदर चले आ रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब यहां निकोला की गर्दन बची है। उसकी फिक्र मत कीजिए आप, उसे हासिल करके रहेंगे। तुर्गुत साहब, हम उनकी सूरत हाल देखिए। आप यहां रहकर अकेले मत जाएं। हमें बिल्कुल भी नहीं है कि निकोला ने कैसे जाल बिछा रखे हैं। रुको, खुशखबरी देने वाले सिपाही मेरे साथ जाएंगे। अख्तैमूर, गोल के लोगों को जमा करो जाके, और उनसे कहो कि किसी मासूम को कोई खराश तक भी नहीं आएगी। जो हुक्म जनाब। आ जाओ सिपाहियों। उस्मान साहब, मजलूमों का इंतकाम आप लेंगे, सांसें खींच लें कि दिल खुश हो जाए। वो बचकर कहीं नहीं जा सकता, ये सब खत्म होकर रहेगा इंशाअल्लाह। शाबाश, बिस्मिल्लाह, शाबाश। भाइयों,
यसु मसीह हमें कुछ नहीं होने देंगे, डरो नहीं। तुर्कों ने बेलेजिक पे भी कब्जा किया था, ये जानते हैं आप लोग, मगर वहां किसी को कुछ नहीं कहा गया, सबके जान माल महफूज रहे। तुर्क अपने साथ सौत में रहने वाले ईसाइयों के साथ भी बड़ी मोहब्बत और उल्फत के साथ पेश आते हैं। अगर हमने उनके खिलाफ तलवार ना उठाई तो वो रहम दिली दिखाएंगे। डरो मत, दुआ मांगो। आप सब लोग पादरी का यकीन करें, डरे नहीं। हम तुर्क कभी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि मजलूमों के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। तुम वही कमांडर होना जिसने मुझे तशद्दुद से बचाया था, तो तुम तुर्क हो, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, मैं रूमी कमांडर नहीं हूं, तुर्क हूं। मगर आप लोग सुन लीजिए, परेशानी की बात नहीं, जब तक उस्मान साहब इन फैसलों पर इस्लामी परचम लहराते रहेंगे, ना आप लोग कोई नुकसान उठाएंगे और ना ही जानों को खतरा होगा। सब लोग इज्जत के साथ रहेंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? वाकई में खुदावन तेरा लाख लाख शुक्र है। तुर्क अपने दुश्मनों को तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत से हरा देते हैं। मोहब्बत तलवार से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अक्तेमुर, अक्तेमुर, गुंदू साहब, उनकी हालत बहुत नाजुक है। गुंदू साहब जख्मी हो गए। आयशा खातून, गुंदूस, गुंदूस, मुंह खोले गुंदूस, शाबाश, पानी पिए, खोले। आप ठीक हो जाएंगे जनाब, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अभी तो हमें काफी जंगे एक साथ जीतने हैं कुद्दूस साहब। शिफा खाने क्यों नहीं लेके गए? जरकुताई, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये अभी तक यहाँ क्यों है? गुमराह लपताल ने कहा था, ऊपर से गिरे हुए शख्स को मत उठाओ। हमने उन्हें बता दिया है, गुमराह लपताल रास्ते में है, वो पहुंचने ही वाले हैं। गिरे हैं? कहाँ से गिरे हैं? लड़ते हुए फसील से गिरे। गुंदूस, गुंदूस, आपके पास हूँ मैं, यही हूँ, देखे मुझे, मैं यही हूँ। गुंदूस, गुंदूस, इधर देखे, देखे, आग तैमूर भी यही है, अब ये हमारे साथ रहेगा। हाँ देखे, बात करें इससे। बाबा, मैं यही हूं बाबा। बेटा, मेरा बेटा, मैं कुंदूस साहब को नहीं बचा पाया।
चरकुताए, बेवकूफ चरकुताए। चरकुताए, ऐसे मत कहो ऐसे। गुंडूस, गुंडूस, मैं आ गया, आ गया मैं गुंडूस साहब। सबसे पहले जख्मियों को शिफाखाने ले जाओ। दुश्मन जरूर हैं, लेकिन इंसान तो है। तरस मत खाओ, मार डालो। जब कला ले लिया है तो हमें भी मार डालो। दुश्मन चाहे बहादुर ही क्यों ना हो, हम उस पर हरगिज़ जुल्म नहीं करते। हम यहाँ जालिमों को सजा देने आए हैं। तुम हमारी कैद में रहोगे। उस्मान साहब आया निकोला को सजा देंगे। अब तुम लोग हमारे कैदी हो, मगर जान लो के अगर तुम लोगों ने हमसे दुश्मनी ना की तो हम भी तुम्हारे साथ रहमदिली से पेश आएंगे। ले जाओ इन सबको। निकोला ने जाल बिछाया होगा, हर कोई मोहतात रहे। जो हुक्म जनाब। शाबाश उरहान, मुझे यकीन है तुमने जरूर कोई ना कोई सुराग छोड़ा होगा। पूरे रास्ते कोई सुराग नहीं मिला, अब क्या करेंगे हम? परेशान होने की जरूरत नहीं, मिल ही जाएंगे। मेरी बहन, तुम इत्मीनान रखो जरा, इंशाल्लाह उरहान को बचा लेंगे। इंशाल्लाह बहन, इंशाल्लाह। मलहून खातून, बाला खातून, ऐसा लगता है कि रात यहां गुजारी है उन्होंने। हम इस सिमत में जाएंगे। खवातीन, यहां भी निशान मौजूद है, शायद इस तरफ गए होंगे। यानी कि दो हिस्सों में बट गए हैं। यह हो सकता है हमें रास्ते से भटकाना चाहते हैं। आखिर कौन है ये लोग बाला? ये सारी मेरी ही गलती है। हॉलोफेरा को ऐसे ही सिपाहियों के हवाले कर दिया। बहन ये मत कहो, ऐसा हो जाएगा किसने सोचा था? वो लोग भेस बदले हुए थे, तुम्हारी गलती नहीं। पता नहीं कि ये जालिम क्या कर डाले। दोनों तरफ देखना जरूरी है। तो फिर चलें, दो हिस्सों में बट जाते हैं। दुरुस्त कहा बाला खातून,
यही बेहतर होगा। सिपाहियों तुम मेरे साथ आओ। चलो बहनों हम यहाँ से चलेंगे। पैदल जाना मुश्किल है, घोड़े चाहिए हमें। घोड़े छोड़ो, हमें सबसे पहले इन दोनों को छुपाने की जगह तलाश करनी होगी। गार में चलते हैं। उस्मान यहाँ के गारों से अच्छी तरह वाकिफ है, नहीं जा सकते। जरा आराम करके उस्ताद आरियूस के ठिकाने पर चलते हैं। हेलो फिरा, तुम्हारे लिए वो हार बहुत अहम था, तो फिर? मैं तो वो यादगार के लिए छोड़ना चाहती थी, यकीन था कि तुम उसका ख्याल रखोगे। बिल्कुल, तुम्हारी अमानत मेरी अमानत। मैं भी तुम्हें अपनी कुछ अमानत देना चाहता हूँ। अगर बच गए तो जरूर देना। बच जाएंगे इंशाल्लाह, बाबा और वालिदा बचा लेंगे हमें। यहां तक पहुंच सकती हो? खंजर, खंजर निकालना है। देखो वो भाग रहे हैं। मत रखो, कुछ नहीं होगा। ये लो, जख्म पे रख लो इसे, और तुम यही रुको, हम वापस आएंगे। हमारे इन जख्मों के लिए निकोला की लाश मरहम बनेगी। हमें कुछ भी नहीं होगा हुजूर। ऐसा ही है, तुम रुको यहीं। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो मेरे बहादुरों। आसार मौजूद है। यह तो रस्सी का निशान है। सुंगूर, यह निशान मौजूद है, उरहान के हो सकते हैं ये। सही कहा आपने बाला खातून, निशान बढ़ते जा रहे हैं। लगता है ये निशान शहजादे ने ही लगाए हैं। मेरा बेटा जानता था कि हम उसे बचाने जरूर आएंगे। चलो
शुक्र के हम दुरुस्त रास्ते पर हैं। हम ज्यादा दूर नहीं बहन, हम अपने शहजादे को तलाश कर लेंगे। बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल। एक और निशान मिला। हिम्मत रखो बेटा, तुम्हारी वालिदा तुम्हें बचा कर ही रहेगी। चलो, शाबाश। तुम्हें क्या लगा उस्मान, तुम्हारे ख्याल में मैं ये थोड़ा सा सोना लेकर अपना कला छोड़कर भाग जाने वाला शख्स हूं? मैं ऐसा आदमी हरगिज नहीं। मेरे दो मुकद्दस हदफ हैं, पहला रोम और दूसरा तुमसे इंतकाम लेना। इंतकाम? हाँ। अच्छा, तुम्हारे सामने हूं मैं। इंतकाम का वक्त है ये। मैं अपना कला खो चुका, मगर ये मत सोचना कि तुम बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। इना गोल हासिल कर चुका और अब तुम्हारी बारी है निकोला। मैं भी तुमसे बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ। तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे प्यारे, तुम्हारा भाई, याद है बादशाह और सुल्तान की मौजूदगी में मैंने वादा किया था तुमसे कि अपने हाथों से मारूंगा, और मैं अपना वादा पूरा करूंगा उस्मान साहब। जिस रास्ते से आए थे उसी पर हैं। मैंने निशान छोड़ दिए थे, कबीले के सिपाही तलाश कर लेंगे। चलो चले।
ज़हीन औरान। दौड़ती रहो तुम, मेरे भाई ने मदद भेज दी होगी। मेरे पीछे आ जाओ। तुमसे कहा था ना कि दोबारा मत भागना, तुम्हें दोबारा मौका नहीं दे सकते। मार डालो इन्हें। हम पहुंच गए बेटा। कहा था ना वो हमें बचा लेंगे। लानत हो तुम पे। बहादुर बेटे हो, मेरी बेटी ठीक हो ना? हाँ या अल्लाह तेरा शुक्र है। पता था आप लोग आ जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का तुम ठीक हो। शुक्र है। बेवकूफ, दो बच्चों का ख्याल नहीं रख पाए, इसी वजह से अपने आदमियों के इंतखाब करने में एहतियात करनी चाहिए। बच्चों को तलाश कर लिया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। ऐ बारगन सरदार, अब सारी जिम्मेदारी तुम पर है। उरहान, खुदा का शुक्र है, शुक्र है। तुम लोग डरे तो नहीं? हाँ, शुरू में डर गए थे, लेकिन यकीन था कि आप लोग आ जाएंगे। उरहान ने यकीन दिलाया। हे माशाल्लाह मेरे बहादुर शहजादे, मुझे यकीन था आपने सुराग जरूर छोड़े होंगे। अकलमंद बेटा है। मर्जी और हुक्म चलेगा। तुम मेरी नस्लों पर मुसल्लत हुए। तुमने मुसलमानों पर तसल्लुत कायम किया। इधर आओ सरा, तुमने दीन पर मुसल्लत होने की कोशिश की। उठो, तुमने मेरे कबीले के लोगों की जान ली। उठो, तुमने वो जो मुझे बहुत प्यारे थे उनका खून बहाया। उठो ना। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं।
तुम मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकते, कुछ भी नहीं। निकोला, मौत तो तुम्हारे लिए निजात होगी, मगर मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगा। इतनी आसानी से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। इनागोल हासिल कर लिया तुमसे, इनागोल आज से तुर्कों की मिल्कियत है। अब इनागोल के ऐन वस्त में इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। उस्मान किले में और उसकी खवातीन और बेटे जंगल में मरेंगे। मेरी बात सुनो, जमीन पे पड़े मुर्दा सिपाहियों को अच्छी तरह देखो। अगर तुम में से किसी ने भी गलती की तो उसका अंजाम भी इनकी तरह होगा। जरा बताना, ये किसके आदमी थे? क्या कुछ पता चला? नहीं वालिदा, लेकिन इनकी सरबराही कोई और शख्स कर रहा था, आपके आते ही भाग गया। आपने सिपाहियों को जहर आलूदा खाने से बचाया है, माशाल्लाह से बहुत बहादुर हैं आप दोनों। ये सब हौलोफिरा की महारत है खाला सलवी, अगर ये हमें ना बताती तो अल्लाह हिफाजत करे। शुक्र है। कमान, हिफाजत करो। बाला, बाला। खवातीन, अपनी हिफाजत करें। बाला, बच्चों की हिफाजत करो। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं। खवातीन, बारकन साहब, बारकन, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है ठीक है। बगैरत छुपा हुआ था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे पकड़ लिया। शुक्रिया बारकन साहब, आप ठीक वक्त पर पहुंचे। सलवी के अलावा सबको कत्ल कर डालो, मगर सलवी का बाल भी बाका हुआ तो ऐसा करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाबाश। बुरी खबर है, उस्मान ने इनागुल हासिल कर लिया। लानत हो, लानत हो। आपको खुशखबरी सुनाना मेरे नसीब में था। सिपाहियों की जानिब से खबर आई है, उस्मान साहब ने इनागुल फतह कर लिया। माशाल्लाह, हम कामयाब हो गए। लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। बाला, तुम्हारा जख्म दागना होगा। हाँ, इसे देखने के बाद जल्द इनागुल रवाना होते हैं। अलाउद्दीन ने खबर पहुँचा दी होगी, उस्मान साहब परेशान होंगे। सिपाहियों, आग जलाओ। शाबाश।